बैंक सिस्टम पे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले पिछले 70 साल से क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ द डे जिसको चाहे लगा देती थी, किसी को भी कोई सवाल नहीं करता था और सब एक से एक अच्छे ही साबित हुए। इक्का दुक्का ऑफिसर को छोड़ के जिनके ज़माने में कुछ सवालात उठे, बाकी तो सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोलिजियम इसलिए होना चाहिए कि लोगों को भी ये लगे कि ये एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में नहीं है, इससे इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो बिल्कुल न्यूट्रल और फेयर है, इसलिए कोलिजियम होना ज़रूरी है, अच्छा है। कोलिजियम के सिस्टम से तो हम पहले से परिचित हैं, CIC की पोस्ट, CVC की पोस्ट, डायरेक्टर CBI की पोस्ट, ये इसके लिए कोलिजियम होता है और यही कोलिजियम है जिसमें चीफ जस्टिस भी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ अपोजिशन। उसके बावजूद लीडर ऑफ अपोजिशन कई बार शिकायत करते रहते हैं कि मैं आउट वोट हो जाता हूँ या मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, वो डिसेंटिंग नोट देते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं होती। अब जो ये गवर्नमेंट ने बिल में जो प्रपोज किया है कि PM और एक और कैबिनेट मिनिस्टर, ये तो पेटेंटली ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये न्यूट्रल हो ही नहीं सकता। इस पर यही वजह से सबसे ज़्यादा कमेंट इसी बात पर हो रही है कि इसमें एक तीसरा आदमी कोई आउटसाइडर भी हो सकता था, स्पीकर हो सकते थे, वाइस प्रेसिडेंट हो सकते थे, कोई भी हो सकता था, या चीफ जस्टिस हो या उनका नुमाइंदा हो सकता था, वो न करके ये गवर्नमेंट ने अपने लिए एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ही खड़ी कर ली है। ये हर शख्स इसको क्वेश्चन कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इसका इलाज भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है अगर पॉलिटिकल विल हो, लेकिन यूनानिमस डिसीजन कंपलसरी हो जाए। अच्छा, यूनानिमस डिसीजन का और वो इतना मुश्किल भी नहीं है कि ऐसा तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर एक कैंडिडेट को पुश कर रहे हैं, LOP किसी और को लेके आ गया कि जो उसको कंसीडर करो। जो एक दूसरा काम जो अच्छा किया इस बिल ने, एक शॉर्टलिस्टिंग कमेटी बनाई है कैबिनेट सेक्रेटरी और दो सेक्रेटरीज के ऊपर कि वो 5 अफसरों को चुन के शॉर्टलिस्ट बना के देंगे, उसमें से चुनना है। ऑब्वियसली वो 5 अफसर अच्छा अनदर अच्छी चीज़ हुई है कि पहले इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कोई क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं थी, किसी को भी लगा सकते थे। ये बात दूसरी है कि सिर्फ सिविल सर्वेंट लगाए जाते रहे 70 साल से, जो बड़ी समझदारी की बात थी क्योंकि सिविल सर्वेंट ने जिंदगी भर इलेक्शन कराए हैं, जिंदगी भर इलेक्शन कराता है, उससे ज़्यादा इलेक्शन को जानता कौन है, है ना। कई कंट्रीज में तो जजेस को लगाते हैं, जजेस को क्या इलेक्शन का पता, लॉ का पता होता है उनको, इलेक्शन मैनेजमेंट तो दूसरी चीज़ है ना। तो ये सिस्टम जो अभी तक चल रहा था, अब ये कंडीशन भी निर्धारित कर दी गई कि सेक्रेटरी या सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर होंगे सर्विंग या रिटायर्ड, और उनका अच्छी इंटेग्रिटी और एफिशिएंसी का अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए। तो अब जो ये 5 आदमी इसमें से चुने जाएंगे तो एक से एक अच्छा ही होगा और सरकार के लिए एक्सेप्टेबल होंगे, क्योंकि सरकार ही की बनाई हुई कैबिनेट सेक्रेटरी और वो इनको 5 को चुन के देंगे। उसमें से सपोज मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं कहूँगा ये 5 हैं, इनमें से किसी को भी आप चुन लो, मेरे लिए सब बराबर हैं, 5 में सब अच्छे हैं। तो इसलिए अगर लीडर ऑफ अपोजिशन को ये कह दिया जाए कि भाई आप यूनानिमस इसमें से चुन लीजिए, तो अब इसको कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये इसका मतलब है वीटो पावर हो गई LOP की, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर 5 नाम दिए आप 5 में ही लिमिट कर रहे हैं। अगर वो बाहर से कोई लाने लग जाए कि नहीं ये 5 नहीं छठा चाहिए, तो प्रॉब्लम है। इन 5 में से जो सरकार ने सामने रखे हैं कि इनमें से चुन लो भाई, तो उसमें से यूनानिमसली चुनना आसान है। एक गलत बात हुई भी है, जो बहुत ही गलत बात हुई है, उसमें ये भी कहा है कि ये कमेटी के ये सिलेक्शन कमेटी PM वाली इस 5 शॉर्टलिस्ट वाले जो है इनके बाहर से भी किसी को ला सकती है, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। तो फिर 5 आदमी की जो कमेटी, ये जो 3 आदमी की कमेटी बनाई, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं, जीरो कर दिया आपने। कि साहब आप मेहनत करो 5 लाख परसेप्शन ऑफ न्यूट्रलिटी, क्योंकि नॉट ओनली कमीशन हैज़ टू बी न्यूट्रल बट हैज़ टू अपीयर टू बी न्यूट्रल, और उसके लिए ये मामूली सी चीज़ है। और कोई हमारे लिए कोलिजियम सिस्टम कोई नया तो नहीं है, CIC, CVC, इवन डायरेक्टर ऑफ CBI जो ना कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है ना वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, वो तो एक हेड ऑफ ए डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर एग्रीकल्चर, डायरेक्टर इंडस्ट्री, डायरेक्टर CBI सब बराबर है, लेकिन चूंकि उनका काम की नेचर इंपॉर्टेंट है, तो उस वक्त किसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए कोलिजियम बना दिया ताकि पब्लिक में ये रहे एक परसेप्शन कि न्यूट्रल है। तो ये निकाला कोलिजियम ही बनाओ, कोलिजियम उन्होंने बनाया था कि इंटरिम, जब तक आप लॉ नहीं लाते जब तक हम एक ये कोलिजियम होगा जो सिलेक्शन करेगा, जो इसकी नौबत ही नहीं आई कि इस बीच में कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई। तो कोलिजियम लाना तो अच्छी चीज़ है, लेकिन उस कोलिजियम की कंपोजिशन पे सब उंगली उठाएंगे ही उठाएंगे, लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं कि आपने कर दिया और सब लोग वाह 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 होगी, ये बिल्कुल होने वाली नहीं है। आप मार्जिनलाइज कर ही दिया, बल्कि एक और भी खतरनाक क्लॉज है, वो बिल्कुल ही इंडिफेंसिबल है कि अगर इस सिलेक्शन कमेटी में कोई कमी होगी, कोई वैकेंसी होगी, कुछ होगी, तो उसको कोई चैलेंज नहीं करेगा। यानी लीडर ऑफ अपोजिशन आए ना आए, हम तो अपना अपॉइंटमेंट कर देंगे। अरे भाई ऐसा कर दो, अब अगर नहीं है तो फिर पब्लिक एक्सेप्टेंस और क्रेडिबिलिटी एक्सपेक्ट ना करो, है ना। तो ये तो बहुत ही अजीब सा क्लॉज है। किया गया था कि ये तीनों मेंबर्स सुप्रीम कोर्ट जज के स्टेटस के होंगे और वही सैलरी है, वही स्टेटस, उसको डाइल्यूट कर दिया गया, उसको रिड्यूस करके कैबिनेट सेक्रेटरी का स्टेटस कर दिया गया। हालांकि कैबिनेट सेक्रेटरी की और सुप्रीम कोर्ट जज की सैलरी एक है, लेकिन उनके स्टेटस में और स्ट्रक्चर में फ़र्क है।
तो एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विश गुरु है, इंडिया विश गुरु होना चाह रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी विश गुरु है, उसका सबूत देता मैं आपको। 10 साल 11 साल पहले मेरे वक्त में हमने एक इंस्टीट्यूट बनाया था, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। उसमें 10 साल में 110 कंट्रीज के कमिश्नर्स आके ट्रेनिंग लेके जा चुके, लाइन लगी हुई है। द फैक्ट के वो हमसे ट्रेनिंग लेने पूरी दुनिया आ रही है तो विश गुरु तो हुए। उस विश गुरु की क्या मैसेज जाएगा कि ये जो लोग रैंक पूछा था उनको डाउनग्रेड करके एक कैबिनेट सेक्रेटरी जिसको तो लोग बाबू बाबू कह देते कि जी बाबू के रैंक का कर दिया। तो फाइनेंशियली कोई डिफरेंस नहीं पड़ा, लेकिन जो स्ट्रक्चर में फर्क पड़ा वो टोटली अननेसेसरी अनडिजायरेबल है। उसको मैं समझता हूँ ये गलती से हुआ है, जानबूझ के सरकार ने डाउनग्रेड करने का सोचा हो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इसमें समझदारी मुझे नज़र नहीं आती।